डियर स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट वीडियो में हम लोग भोजन एवं मानव स्वास्थ्य इस पार्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। और लास्ट में मैंने आपको विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण, इनके बारे में आपको बताया था, ठीक है। और आज हम लोग इस चैप्टर में पेयजल यानी कि ड्रिंकिंग वाटर इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ध्यान दें, देखिए ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पेयजल, पेयजल जो होता है इसका क्या हमारे शरीर में क्या रोल होता है, क्यों हम लोग इसके बारे में पढ़ें। तो देखिए जो पेयजल होता है ये एक बहुत ही विशिष्ट तरल होता है, विशिष्ट तरल अद्भुत द्रव होता है बेटा। वो क्यों होता है ये विशिष्ट, क्योंकि ये एक साथ ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो वाटर एक स्पेसिफिक फ्लूड है, लिक्विड है, जो कि एक साथ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम देखिए आगे हम बात करते हैं कि ये जो लिक्विड पेयजल जो है ड्रिंकिंग वाटर, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं पेयजल की, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसकी क्या मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है पेयजल की विशेषताएं, पेयजल की विशेषताएं। प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए सबसे पहले इसकी विशेषता होती है कि इसमें कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, अशुद्धि मीन्स इम्प्योरिटीज़, ठीक है। तो पेयजल में दिखाई देने वाली अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। तो इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ड्रिंकिंग वाटर की वो है देयर विल बी नो एनी विजिबल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है। फर्स्ट तो ये हुआ। सेकंड, देखिए जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें आपको पता है कि ऑक्सीजन होती है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर में सफिशियंट ऑक्सीजन का होना भी ज़रूरी है। तो दूसरी इसकी विशेषता है पर्याप्त ऑक्सीजन होनी चाहिए, पर्याप्त ऑक्सीजन उपस्थित होनी चाहिए, ठीक है बेटा। सफिशियंट ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। थर्ड, तीसरी जो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, इम्पोर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो आप ड्रिंकिंग वाटर है इसका जो पीएच मान है, पीएच वैल्यू, ठीक है, ये संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। पीएच मान संतुलित होना चाहिए,
पीएच मान संतुलित होना चाहिए। तो मुख्य ये तीन विशेषताएं हैं पेयजल की, ड्रिंकिंग वाटर की। पहली, पेयजल में दिखाई देने वाली अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है, पर्याप्त ऑक्सीजन उपस्थित होनी चाहिए। और थर्ड है, इसका पीएच मान संतुलित होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ये पेयजल की विशेषताओं के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है वो ये है कि ये जो पेयजल है इसका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, ये क्या कार्य करता है। व्हाट आर द मेन रोल या व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन एनी लिविंग बींग्स, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं और हम लोग बात करेंगे अब, हाँ, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है पेयजल की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। सजीवों के शरीर में ये जो पेयजल होता है ये क्या इसका फंक्शन होता है, क्या ये काम करता है। तो देखिए, फर्स्ट वन, सबसे पहला इसका काम होता है कि सजीवों के शरीर में जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस होते हैं, उनका जो मीडियम होता है वो एक्वेटिक होता है, यानी कि जलीय माध्यम में ही वो संपन्न होती हैं, ठीक है। तो पेयजल की भूमिका, इसमें सबसे पहला काम, पहला फंक्शन पेयजल का ये है कि अनेक उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं मीन्स मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस जलीय माध्यम में संपन्न होती हैं, जलीय माध्यम में संपन्न होती हैं। ठीक है ना, तो वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ लिविंग बींग्स इज कंप्लीटेड इन एक्वेटिक मीडियम, सेकेंड नंबर दो। दूसरा देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न पदार्थ हैं, ठीक है, चाहे वो भोजन हो, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ हो या फिर ऊर्जा हो, बहुत सारे पदार्थों का परिवहन हमारे शरीर में होता है। और वो जो परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी सब्सटेंसेज इन आवर बॉडी, ठीक है ना, वो वाटर के थ्रू होता है, जल के थ्रू होता है, जल के द्वारा होता है। तो दूसरा जो पेयजल का कार्य है सजीवों के शरीर में वो हो गया, सजीवों के शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन करना, ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज इन लिविंग बींग्स, अब वो वेरियस सब्सटेंसेज कौन कौन से हैं, मैंने अभी आपको बताया, फूड हो सकता है, कोई एक्सेट्री या सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन है बॉडी के अंदर वो वाटर के थ्रू होता है। नंबर थर्ड ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं, इन मेटाबॉलिक प्रोसेस में कई सारे पॉइजनस सब्सटेंस भी बनते हैं। पॉइजनस मतलब विषैले या जहरीले सब्सटेंस बनते हैं, तो उनका जो विषैला प्रभाव होता है, टॉक्सिक इफेक्ट जो होता है, उसको कम करता है कौन, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो इन हानिकारक सब्सटेंस के टॉक्सिक इफेक्ट को कम करना, इसको हम एक शब्द में कहते हैं निराविषीकरण, निराविषीकरण, ठीक है ना, इंटॉक्सिकेशन। तो हमारी बॉडी के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं इनके विषैले प्रभाव को कम करता है,
विषैले प्रभाव को कम करता है, टॉक्सिक इफेक्ट को कम करता है, कौन? ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो इसकी तीसरा फंक्शन हो गया बॉडी के अंदर। और नंबर चार, नंबर चार पे देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ये जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, हमारा शरीर का जो तापमान होता है उसको भी ये नियंत्रित करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये कुछ पेयजल की भूमिकाएं हमारे शरीर के अंदर रोल हैं, फंक्शंस हैं। देखिए एक बार आपको मैं दोबारा से रिवाइज करवा दूं, ये जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कि एक्वेटिक मीडियम में होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड वन, हमारे बॉडी के अंदर जो वेरियस सब्सटेंस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेन टू ऑर्गेन। और नंबर थर्ड है इंटॉक्सिकेशन, मतलब निरावेशीकरण, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, एक्सक्रीटरी जो मटेरियल होता है उनका जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है उसको कम करता है। और फोर्थ वन पे आता है कि ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करता है, उसको नियंत्रित करता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गए हमारे रोल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि यदि हम ऐसे वाटर का यूज़ करें जो कि पॉल्यूटेड हो, प्रदूषित हो, स्वच्छ ना हो, तो उससे हमारे शरीर में क्या क्या डिजीज़, कौन कौन से रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज, हाँ तो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज डिजीज़ कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर, यानी कि प्रदूषित जल से होने वाले रोग। देखिए ये जो वाटर होता है इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति की वजह से ही जो वाटर होता है, जो पानी होता है, जो जल होता है, ये प्रदूषित होता है। तो देखिए उन रोगों के बारे में हम लोग चर्चा करें, डिस्कस करें, उससे पहले हम ये जान लें कि वाटर के अंदर कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। देखिए नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था कि जो बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं उनकी कुछ कैटेगरी है, जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो होते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं विषाणु, है ना, वायरस, इस सब ने तो आज तबाही मचा रखी है ना, वायरस, कोरोना, है ना, जिसकी वजह से आप लोग घर बैठ के पढ़ रहे हैं और हमें यहाँ पढ़ाना पड़ रहा है, वायरस। ठीक है, तीसरी कैटेगरी प्रोटोजोआ, नाइन्थ में पढ़े हुए हैं आपने, ये आपके लिए कोई नए वर्ड नहीं है। और नंबर चार पे आते हैं कुछ कृमि, वर्म्स, वर्म्स। ठीक है, तो ये कुछ माइक्रोब्स हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हैं जिनकी उपस्थिति की वजह से जल प्रदूषित होता है, वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। कौन कौन से हैं? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआस और वर्म्स। ठीक है, अब देखिए यदि कोई व्यक्ति जीवाणु युक्त पेयजल का उपयोग करता है, जीवाणु जनित जो जीवाणु जिसमें है, बैक्टीरिया जिसमें है, ठीक है ना, ऐसे वाटर को यदि वो पेयजल के रूप में ग्रहण करता है, तो इन बैक्टीरिया की वजह से उसकी बॉडी में कई डिजीज़ होती हैं, कई बीमारियाँ होती हैं, यानी कि कई रोग होते हैं। तो देखिए बैक्टीरिया की वजह से जो जो जीवाणु जनित रोग हैं वो कौन कौन से हैं? हैजा,
कॉलेरा जिसको बोलते हैं, पेचिस, डिसेंट्री, टाइफाइड, ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया वाले पॉल्यूटेड वाटर को जब कोई पर्सन ड्रिंक करता है तो उसके बॉडी के अंदर ये डिजीज़ होती है। कौन कौन सी हैं ये? कॉलेरा, डिसेंट्री, टाइफाइड, ओके। वायरस, विषाणु जनित रोग। अब विषाणु जनित रोगों में एक तो आता है आपका पोलियो, ठीक है, और दूसरा आता है पीलिया। पीलिया जिसको जॉइंडिस और हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए जॉइंडिस इसके नाम से भी जानते हैं। प्रोटोजोआ की वजह से जो रोग होता है वो है अमीबिया पेचिस। एमीबॉइड डिसेंट्री इसको हम बोलते हैं, एमीबॉइड डिसेंट्री। और वर्म्स यानी कि कृमि, तो कृमि जनित जो रोग हैं उनमें एक है सबसे इम्पोर्टेंट नारू या बाला रोग। नारू या बाला डिजीज़, ठीक है, तो ये प्रदूषित जल से होने वाले रोग हैं, डिजीज़ कॉज बाय पॉल्यूटेड वाटर। सबसे पहला बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज़ होते हैं, कॉलेरा, डिसेंट्री, टाइफाइड। वायरस के थ्रू जो डिजीज़ होती है, पोलियो, पीलिया, जॉइंडिस। प्रोटोजोआ की वजह से जो डिजीज़ होती हैं, अमीबिया, डिसेंट्री। और वर्म्स के थ्रू जो डिजीज़ होती हैं वो है नारू और बाला डिजीज़, ठीक है। तो ये वो डिजीज़ हैं। अब यहाँ आगे हम लोग बात करते हैं नारू या बाला डिजीज़ के बारे में। देखिए, नारू या बाला डिजीज़ ये जिस कृमि की वजह से होता है, जिस वर्म की वजह से होता है, उस वर्म का, उस कृमि का नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, तो स्टूडेंट्स पैथोजन ऑफ नारू और बाला डिजीज इज ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। तो ये एक वर्म है, एक कृमि है जो कि वाटर में पाया जाता है। वाटर में इसकी जो फीमेल होती है वो एग ले करती है, मतलब अंडे देती है, और उन अंडों को साइक्लॉप्स जो कि एक आर्थोपोड एनिमल्स है, ठीक है ना, तो वो आर्थोपोड उन ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस की फीमेल के जो एग्स होते हैं उनको अपने अंदर ले लेता है। और जब कोई पर्सन उस पॉल्यूटेड वाटर को यूज़ करता है, ड्रिंक करता है, उसके अंदर अपने पीने का काम लेता है, तो ये एग जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और उनकी जो इंटेस्टाइन है आंत, ठीक है ना, वहाँ जा कर के ये ग्रो करने लगते हैं, वृद्धि करने लगते हैं। तो इस डिजीज़ को हम कहते हैं नारू या बाला डिजीज़, ठीक है। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि नारू या बाला जो रोग होता है उसका रोग जनक कौन है, उसका पैथोजन कौन है। तो पैथोजन ऑफ नारू और बाला डिजीज़ इज ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ओके। तो ये ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो देखिए, यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक था पेयजल, ठीक है बेटा, ये कंप्लीट हुआ। तो इस टॉपिक में हमने आज पढ़ा था कि जो पेयजल होता है इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, दूसरा इसका बॉडी में क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, तीसरा पॉल्यूटेड वाटर से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, और फाइनली लास्ट में हमने पढ़ा नारू और बाला डिजीज़ का पैथोजन कौन है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़
हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज ओबेसिटी यानी कि मोटापा। ठीक है, देखिए मोटापा क्या होता है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर फैट यानी कि वसा का अतिरिक्त जमाव शुरू हो जाता है, एक्स्ट्रा फैट हमारी जो स्किन है त्वचा इसके नीचे जमना स्टार्ट हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति को अपने दैनिक क्रियाकलाप करने में भी बहुत परेशानी आने शुरू हो जाती है। तो उस स्थिति को हम कहते हैं ओबेसिटी यानी कि मोटापा, यानी कि जो एक्स्ट्रा फैट है, डिपोजिशन ऑफ फैट, डिपोजिशन ऑफ फैट, या फिर यूं कहें कि एक्स्ट्रा फैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा फैट इज कॉल्ड ओबेसिटी, यानी कि वसा का अत्यधिक जमाव, इसको हम ओबेसिटी मोटापा कहते हैं। देखिए पता कैसे करेंगे कि मोटापा है या नहीं है, तो मोटापा को पता करने के लिए जो एक पैरामीटर सेट किया हुआ है वो है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसको हम हिंदी में बोलेंगे शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स BMI। तो इससे पता हम लोग करेंगे कि कोई भी व्यक्ति मोटा है या पतला है या नॉर्मल है। तो देखिए इसका हम कैसे पता करेंगे, तो इसका एक तरीका होता है कि किसी भी व्यक्ति का जो भार होता है, जो वेट होता है, वज़न, ठीक है, उसमें उसकी लंबाई के वर्ग का भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो वैल्यू आती है फिर उससे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि वो व्यक्ति मोटा है या नहीं है। तो देखिए एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण लेके मैं आपको बताऊं कि यदि एक व्यक्ति जिसकी हाइट 5 feet है, ठीक है, हाइट है 5 feet और उसका वेट है 60 kilograms, तो इस व्यक्ति का हमें निर्धारण करना है, डिटरमाइन करना है कि ये ओबेस है, मोटा है या नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहला काम तो करेंगे कि जो इसकी हाइट है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 5 feet मीन्स 150 centimeters, 5 feet में 150 centimeters होते हैं, और 150 centimeters को जब आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है आपका 1.5 meters, ओके। और वेट इसका आपको दिया हुआ है 60 kilograms, तो इसका BMI का फार्मूला क्या होता है, BMI इसका फार्मूला मतलब कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, तो देखिए इसका फार्मूला होता है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। हाइट ध्यान रखना मीटर में पहले हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अभी वेट कितना इसका 60 और हाइट कितना मीटर में इसका 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 1.5 का स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो ये आता है 2.25, ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर आएगा। अब देखिए अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो लगभग 26 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी,
26 यानी 26, ठीक है। तो इसका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। BMI का यूनिट क्या रहेगा? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आई लगभग अप्रोक्सीमेटली 26। तो देखिए, मैं आपको एक टेबल के थ्रू बताऊंगा कि किस कैटेगरी में हम ओबेस, नॉर्मल या जो थिन पीपल्स जो होते हैं उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, वैल्यू ऑफ BMI एंड कॉन्क्लूजन, मतलब हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे BMI की वैल्यू से। ओके, तो यदि BMI यानी कि शरीर भार सूचकांक का मान 18.5 से कम है, लेस देन 18.5, तो इसका मतलब होता है कि वो पर्सन अंडरवेट है। अंडरवेट है मतलब वो पतला है, कमज़ोर है, उसको फैट की और रिक्वायरमेंट है, उसको वसा की और ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा कॉन्क्लूजन, यदि BMI की वैल्यू 18.5 से 25 के बीच में है, ठीक है, तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है। नॉर्मल यानी कि वो सामान्य है, ना तो वो पतला है ना वो मोटा है, एकदम हेल्दी पर्सन उसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। यदि इसकी वैल्यू, BMI की वैल्यू 25 से 30 इसके बीच में है, तो उसको हम ओवरवेट कंसीडर करते हैं। ओवरवेट मतलब वो मोटा नहीं है लेकिन भारी है, और मोटा होने वाला है, ठीक है। और यदि इसकी वैल्यू मोर देन 30, मोर देन 30 हो गया, ठीक है, तो सॉरी ये इस तरह से लगेगा और ये लगेगा इस तरह से, मोर देन 30 है, ठीक है, तो उसको हम ओबेस कहेंगे, मतलब वो मोटा हो गया है, वो व्यक्ति मोटा है, वो पर्सन ओबेस है। तो ये कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं, यदि BMI की वैल्यू लेस देन 18.5 है तो वो अंडरवेट होता है, पतला होता है, 18.5 टू 25 हो तो वो नॉर्मल होता है, सामान्य होता है, 25 टू 30 के बिटवीन हो तो वो ओवरवेट यानी भारी होता है, और ग्रेटर देन 30 इसकी वैल्यू यदि आती है तो वो ओबेस यानी कि मोटा होता है। तो जैसा आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था कि एक व्यक्ति जिसकी हाइट 5 फीट है, उसका वेट 60 किलोग्राम है, तो वो नॉर्मल पर्सन है ना। तो स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने BMI के बारे में बताया। अब देखिए, मोटापे का बैड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? तो यदि हमारी बॉडी के अंदर डिपोजिशन ऑफ फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे हम हमारे डेली रूटीन नहीं कर पाते हैं, या हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। तो कौन कौन से रोग हैं जो हमारे शरीर में होते हैं ड्यू टू ओबेसिटी, मोटापे की वजह से? तो देखिए, सबसे पहला तो ये है कि हमारी जो बॉन्स हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, है ना, उन पे बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर हो जाती हैं, यानी वीक बॉन। ड्यू टू कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा फैट, ठीक है ना, इसको
हमारी जो हड्डियों के जो जॉइंट होते हैं जोड़, ठीक है, वो जोड़ भी दर्द करने लगते हैं और इस रोग को हम कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस। दूसरा, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं, उनका जो ल्यूमेन होता है, अंदर का जो स्पेस होता है, वो कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की वजह से कम होता जाता है। उससे हार्ट तक यानी कि हृदय तक ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, उससे क्या होता है कि हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक। तीसरा, ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो मोटापे की वजह से, ओबेसिटी की वजह से होती हैं। अब इसको, मोटापे को कंट्रोल कैसे करें, मोटापे को कंट्रोल कैसे करें, तो देखिए, मोटापे को यानी कि ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए एक तो आपको ज़्यादा चिकनाई वाला भोजन नहीं करना है, ऑयली फूड नहीं करना है, ज़्यादा जो मसाले हैं स्पाइसी फूड नहीं खाना है, जंक फूड का जो यूज़ है वो नहीं करना है, ठीक है। और आपको एक संयमित जीवन शैली अपनानी है जिसमें आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, ठीक है, ये सारे करके आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं और ओबेसिटी से आप छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, मोटापा। ओके, थैंक यू।